बुद्धिस्ट स्तूपा चनेटी। आराम से लो भाई, गेट तो हर टाइम यहाँ पर खुला रहा, हर बच्चों की भाई पूरी एक्साइटमेंट। मतलब इसके नीचे से खाली है एकदम। अच्छा मैं सुनने में ही हुआ था जी पहले कि इसके नीचे खजाना दबा हुआ है। वैसे भाई पहले यहाँ पर एक बंदा खड़ा था, बट अब मैंने बच्चों ने देखा वो अंदर गया और सीधा गेट बंद कर दिया। तो एक बार ट्राई करूँ अंदर पूछ के देखूँ अंदर अलाउड है या नहीं। हाँ जी सर, खुल जा सेम सेम। हाँ? ये देख भाई कितना खतरनाक काम होया। यार लेदर की बोल भाई, सीधी स्कूल में से आई। हाँ बिट्टे देखिए, और जो सी सपूट जाता ये बोल आई सीधी स्कूल में थे, इतनी जोर की शॉट मारा करा लेदर की बोल है। मेरी घरोली के खोपड़े पर लगते लगते बची बेचारी, राम दे भी सो रही थी बेचारी अपनी। ओ चल सोचा तो जाएगा, चल जा। जाओगे? कोई बात नहीं, चलने लग रहे बेटा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो भाई सीन कुछ आज कैसा है कि आज आपको लेकर जाने लग रहे भाई, कहाँ पर लेकर जाएंगे भाई आपको, एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएगा लेकर आएंगे भाई। हरियाणा टूरिज्म का प्लेस है भाई, अपने ही नजदीक माँ में पता भी नहीं भाई, और हम आज लग गए नहीं वहाँ पर, तो आज लेकर जाएंगे। बच्चा पार्टी भी अपने साथ जाएगी, थोड़ी देर में चलने में वापस भाई। तो वीडियो की इंटरेस्टिंग जबरदस्त, जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब क्या कर सकूँ मैं, तो करता करता थक गया भाई। कर लो कर लो कर लो, और वीडियो ना लाइक और कमेंट भी भाई जरूर कर दो। हां जी मन्ना पता, मैं अपना फोन ले खड़ा, तेरा फोन ले खड़ा। ओ मर दो ना भाई साहब, आधा ब्लॉगर तो मैं इसने बना रखा मेरा। ओ कम से कम जो ब्लॉग बना रहे हो जब तो नहीं आकर सामने, जिस का फोन कहाँ है वो कहाँ है। लेगी क्या पीले बिंदी हो या थोड़ी देर में ले लिए, इसने ले लिए। यू मोमेंट्स लेटर। लो भाई आप तो रेडी शेडी हो गए बिना नहाए धोए, नहाए दो भाई मैं सुबह लिया था, बट अब हो गया वैसे ही ड्राई क्लीन करके तैयार। अब ढूंढ रहे भाई अथारो, वरना अथारो चलो बेटा, क्योंकि भाई अथारो वैन अथारो पार्टी जागी भाई वहाँ पर। और जिन भाइयों ने लास्ट का कल का व्लॉग नहीं देखा ना भाई, तो क्यों मिस करा करो भाई आप व्लॉग। ये देखो भाई मन्ना व्लॉग यहाँ पर डाल रखे हो, ये वाला व्लॉग शॉपिंग करने गए थे भाई, विंडो शॉपिंग अपना देख लो करो भाई, देख लो देख लो। चला ये नहीं आज थेरो में जाने लग रहा बेटा, चल अम्मी चलो। हाँ? चलो चलो चल दियो। मौत तो सुबह सुबह गाड़ियाँ मिली है ना, क्यों कार नहीं धोई थी और दुआ कर लिया कर। नहीं कल करूँगा, तो कल धोऊंगा। नीचे तक कपड़ा सा मार दा कर, नाली से क्या देर लगा नाली। ओ टाइम तो कुछ लगता नहीं भाई, जब भी अपने संदे ना चलाओ ना, गाड़ी ना चलाओ या कोई भी चीज हो, बाइक हो साइकिल हो कुछ भी चीज हो, तो उस पर कपड़ा मार कर चलाना चाहिए भाई। और मेरे पास कोई ना कल बढ़िया कर दूंगा चका चक, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले जाम लगाए जा रहे भाई कि जो मेरा साला है ना वो बिल्कुल चका चक रखा कार ना, जब भी मैं उसको ही देखा जू उसमें ही देखा जू कार, वो बहुत बढ़िया भाई साहब बिल्कुल साफ कर बेटा। और बच्चे आएंगे आने लग रहे, और भी ठीक है एसी की कर है कूलिंग होने दो, और बच्चे आने लग रहे इसके फ्रेंड। कम 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 कम, चलो 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 जल्दी चलो बेटा, लेट हो गए पहले हम। रेडी बोलो सच्चे दरबार की, जहाँ पर भाई हम जाने लग रहे हैं ना, तो वो मे भी जो जगह है ना बच्चों को पसंद आई, क्योंकि भाई वो है एक हिस्टोरिकल प्लेस, और इनको चाहिए पूरी वैसी मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट वाली चीज। बट देखेंगे उस वहां से देख कर भाई नई और इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर जाएंगे। रानी का किला भी दिखा कर लेकर आगे भाई, रानी का किला भी देखना। अच्छा और पार्टी पार्टी भी लेनी दे देगा मास्टर पार्टी। नमस्ते बेटा, जाओगे आप भी है? जाओगे? नमस्ते बेटा नमस्ते। दी क्या बेटा? ये आ गया भाई सामने अपना बुद्धिस्ट स्तूपा। वाह भाई अपने इतने नजदीक है और हम कभी आए नहीं भाई यहाँ पर। वाह जी वाह, राम राम भाई, आराम से बेटा आराम से आराम से आराम से। लो भाई गेट तो हर टाइम यहाँ पर खुला रहा, हर बच्चों की भाई पूरी एक्साइटमेंट बेटा देखने के लिए। लो भाई सबसे पहले तो आप चेतावनी पढ़ो, स्तूप के ऊपर चढ़ना व परिसर के अंदर एकत्रित होना दंडनीय अपराध है, आदेश महानिदेशक। राम राम जी। लो भाई ये रहा अपना महात्मा बुद्ध का स्तूप भाई, और जो
2300 साल पुराना है भाई, और अशोक के टाइम में बनवाया था भाई, ऐसा सुनने में आवा कि अशोक ने ही बनवाया था। और वैसे स्तूपा ओ क्या चीज भाई, स्तूपा हुआ एक तरह का टीला, जो आपने सामने दिख रहा होगा भाई टीला, और टीला के अंदर क्या हो भाई, इसके अंदर अवशेष है महात्मा बुद्ध के, जैसे नाखून हो गए, दांत हो गए, बाल हो गए, या कपड़ा, कुछ ना कुछ अवशेष हो जो मतलब कि इसके अनुयायी थे ना भाई महात्मा बुद्ध के, जैसे अशोक उनमें थे, एक था मेन था भाई, और उसने ये सोचा था कि सारे भारत में इसका प्रचार करे जावा, तो इस तरह के टीले बनाए गए थे। हाइट की बात करा ना, वैसे लगभग 5 फुट की ये वाली हाइट होगी इसकी, और 5 फुट के ही ऊपर हो गया, और बिल्कुल गलाई में बनाया हुआ है भाई। और भाई यहाँ पर ना कोई पूजा कर कभी जावा, ये देखो भाई कप रख रहे, इनमें फ्लावर चाय नहीं है बेटा, फ्लावर रखे हुए हैं इनमें, ये कोई पूजा करके जाता होगा ना यहाँ पर। थोड़ी सी कोशिश करेंगे भाई साहब, यहाँ पर अपना बुजुर्ग बैठे उनसे भी बातचीत करेंगे कुछ इसके। राम राम ताऊ जी, थोड़ा सा बताओगे ताऊ जी बच्चों को इसके बारे में? इसके नीचे से खाली एकदम ना, अच्छा अच्छा मैं सुनने में ही हुआ था जी पहले कि इसके नीचे खजाना दबा हुआ है, ऐसा कुछ है ना कि सिक्योरिटी महात्मा बुद्ध की अस्थियां है इसमें, अस्थियां है जी, मतलब जो भी अवशेष है कि चहल गालो, नाखून हो गए, बाल हो गए, कपड़े हो गए, कुछ ना कुछ मतलब इस टाइप की चीज वो है यहाँ पर ना। तो आप कैसा लगा बेटा? अच्छा ठीक, चलो बेटा आपको एक गेट भी दिखाता है यहाँ पर। लो भाई जैसे आप एंट्री करोगे ना तो सामने दिख रहा है अपना ये एक बड़ा सा गेट, मे भी भाई एंट्री यहाँ से हुई हो पहले, इस टाइम तो इधर से एंट्री बंद कर रही थी, वहां से एंट्री हो रही ओपन, बट यो तो भाई दरवाजा जो दिख रहा है ना बहुत ही ऊंचा, बहुत ही बड़ा, और क्या भी खूबसूरत बना रखा भाई, अल्टीमेट और पुरानी भाई इस पर कलाकारी दिखा रही। बेटे ये कुछ ही पार्ट है सिर्फ, ये बना हुआ है प्लास्टिक का, हाँ और तो सारा वैसे ही बना हुआ है, ये पुरानी है। अब कह रही कि मुझे बुढ़िया लेकर चलो भाई, यार बुढ़िया का भी आपने पति होगा भाई, बुढ़िया में भी एक से एक जबरदस्त चीजें है जो भाई, यहाँ पर हरियाणा से होना तो आपने जरूर बुढ़िया का नाम सुन रखे होगा, और वहाँ पर है इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चीजें भाई। क्या क्या चीजें है वहाँ पर? रंग महल है भाई, किला है, राजा रानी का किला है भाई, और गुरुद्वारा भाई जो बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना है भाई वहाँ पर। चल रहा है बेटा वहाँ पर? अच्छा जी, भाई साहब आगे तो पूरा पानी भर रहा। लो भाई फाइनली अपना 2 से 3 किलोमीटर चलने पे गए किले पर, देखा भाई अंदर एंट्री हो पागी ना हो पागी वैसे। हाँ जी अंदर नहीं बेटा, अंदर रहते हैं अभी, अभी तो क्या पता परमिशन ना मिले अंदर जाने की, तो मिलने की नहीं बेटा। लो भाई ये तो रहा बड़ा सा किला। वैसे भाई पहले यहाँ पर एक बंदा खड़ा था, बट अमेन बच्चों ने देखा वो अंदर गया और सीधा गेट बंद कर दिया, मे भी अंदर जाना अलाउड नहीं है, बिना इजाजत अंदर जाना सख्त मना है। लो भाई बड़ा सा गेट लग रहा है, ये लग रहा है अपना लकड़ी का, और क्या भव्य भाई साहब अंदर एंट्री है, और उतना ही जबरदस्त अंदर से होगा ये किला। एक बार ट्राई करूँ अंदर पूछ के देखूँ अंदर अलाउड है या नहीं। हाँ जी सर दिखा रहा, अलाउड नहीं है मतलब अंदर, थोड़ा सा दिखा देते जी तो हमें रोकने के लिए बताया। अच्छा लकड़ी का जी ये गेट ठीक ये लिखा एंट्री क्या है कुछ नहीं मना बस ऐसे ही है चार दौरी बढ़िया है की चार दौरी अच्छा बाहर से देखने में यहीं से देख लो बेटा यहीं से देख लो देख ये दिख रहा बस है ना ये खोल दो बस यहीं से देख लो खड़े होके अंदर तो बेटा परमिशन लेकर जाना पड़ता है अच्छा तो अंदर से मतलब इसी तरह का जी वैसे गिर कर गया अच्छा क्या कई किलो में है जी ये है ना अच्छा अच्छा ठीक ये उसी टाइम का है जी पुराना गेट है ना कितने बड़े बड़े कुंडे लग रहे भाई है ना बड़े बड़े से हाथी इस गेट के नीचे से निकला थे और कुए में बेटा ध्यान से गिरना जीव अंदर कोई सा गिर कहाँ गिर जाएगा इसमें गिर जाएगा तू इसमें देख तो ले कहा है इसमें कुछ भी नहीं है अब तो ये बंद हो गया पहले बेटा बहुत नीचा था इसमें से पानी निकालते थे आज कैंपर आ गए वो जा रहे जैसे कैंपर है
लो भाई ये पुरानी पुरानी इंटा उस टाइम की छोटी छोटी सी। हो यार मैंने खेड़ दी वैसे ही, लो ऐसा फिक्स करता वही, सिर्फ मतलब कि डेक चून टाइप उसी से ही बनी हुआ थी भाई ने। चलो बेटा बैठो, अब आ गया आपकी पार्टी का टाइम। वहाँ पर जो भाई अंकल थे ना, उन्होंने साफ मना कर दिया कि बेटा हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, बाहर से मैं भी मजबूर है कि हम अंदर अलाउ नहीं कर सकते। और सारा कुछ जो है ना भाई वहाँ पर लग रहे कैमरे, और कैमरे से सारा कुछ रिकॉर्ड होता रहा कि हम परमिशन नहीं दे सकते। भाई सही बोलो ना, यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी हो रही, कुछ खाने का तो मन कर नहीं रहा ऐसा वैसा। अंकल तो सब्सक्राइबर निकलिया। अच्छा ठीक जी, फिर तो पार्टी आपकी तरफ ही होगी। तो ओके जी, लो भाई बच्चों के लिए ले लिया सामान, हर पार्टी करेंगे आगे ही जाएगा कहीं। लो बेटा पकड़, बेटर हो आराम से। तो बहुत लंबी लाइन है भाई दूर तक। कौन सी है प्रियल की शक्ल पे, कौन सी है? भाई एक बच्चे ने जाना था अपना ट्यूशन पर, तो उसके चक्कर में जल्दी जल्दी आना पड़ गया भाई यार। वो तो जेली अब करेंगे भाई यहाँ पर अपना पार्टी। तो आज का व्लॉग भाई आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना भाई कैसी लगी आज की आपकी वीडियो। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ।